पाठ्यक्रम में हम पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम के निर्माण में आने वाली कुछ बाधाओं का अध्ययन किया था, साथ ही वो बाधाएं एक तरह से पाठ्यक्रम को प्रभावित भी करती हैं। उसी क्रम में पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले और भी कारक हैं, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बात की थी कि पाठ्यक्रम है वह शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित कर लक्ष्यों की पूर्ति में साधन का कार्य करता है। तो इस तरह से शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति में पाठ्यक्रम सहायक होता है, और चूंकि शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो समाज की भी आवश्यकता होती है, समाज के राष्ट्र के आधार पर ही शिक्षा के लक्ष्य भी निर्धारित होते हैं, या कहें कि शैक्षिक लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं, क्योंकि मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। तो इसी दृष्टि से जब मनुष्य की आवश्यकताएं, मनुष्य की जो समाज से संबंधित उसकी आवश्यकताएं हैं, मानव की, क्योंकि मानव समाज से ही जुड़ा होता है और इनसे संबंधित जो भी समस्त उसकी आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति का करना चाहेगा मानव, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे आवश्यकता होती है किसकी, शिक्षा की, और किसी न किसी शिक्षा के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और शिक्षा प्राप्ति का आधार मुख्य क्या है, पाठ्यक्रम है, क्योंकि शिक्षा किसके माध्यम से प्रदान की जा सकती है, पाठ्यक्रम के माध्यम से। और इस तरह से जब पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो भी मनुष्य के लक्ष्य हैं, जैसे मनुष्य के लक्ष्य किस पर आधारित होंगे, समाज पर ही आधारित होंगे, आवश्यकता से ही निर्भर, आवश्यकता पर भी निर्भर करेंगे। तो इस तरह से जो ये लक्ष्य हैं वो मनुष्य के लक्ष्य आवश्यकता समाज की आवश्यकता के अनुसार भी होंगे और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार भी होंगे, और उनकी पूर्ति किसके माध्यम से हो रही है, शिक्षा के माध्यम से हो रही है, और शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। इस दृष्टि से जब हम बात करें कि पाठ्यक्रम किस तरह से प्रभावित होता है, जब या समाज में परिवर्तन हो, या कहें राष्ट्र में कोई परिवर्तन हो, या कोई राजनीतिक परिवर्तन हो, कोई शासन प्रणाली है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से समाज में सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब परिवर्तनों के आधार पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ये समस्त परिवर्तन किस तरह से प्रभावित करेंगे शिक्षा को, क्योंकि समस्त परिवर्तन आवश्यकताओं पर भी प्रभाव डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होंगे उन सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनमें भी बदलाव होगा, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के तरीकों में भी बदलाव होगा, और उन तरीकों को सीखने का कार्य, जैसे ये इन किसी भी तरह से मानव की शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपने लक्ष्यों का निर्धारण करता है, या किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो वह उस क्षेत्र के लिए उसी प्रकार की शिक्षा का चुनाव करता है। तो इस दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में किसी भी आधार पर शिक्षा के द्वारा ही वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और शिक्षा उन लक्ष्यों की पूर्ति, जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं, जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, उनकी पूर्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से ही करती है। और यह पाठ्यक्रम फिर किस पर निर्भर हो गया, समाज पर, राष्ट्र पर ही निर्भर हो गया। तो इस दृष्टि से जब इनमें कोई भी परिवर्तन होता,
करता है तो स्वाभाविक है यह परिवर्तन पाठ्यक्रम को भी प्रभावित करता है। तो मुख्य रूप से हमने ये समझ लिया है कि जैसे कोई भी सामाजिक परिवर्तन होगा, शासन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन होगा, या कहें किसी तरह की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा, या कहें कोई अध्ययन समितियां हैं, राजनीतिक मान लो कहीं कोई परिवर्तन है, तो वह सब किसी न किसी कारण से पाठ्यक्रम को प्रभावित करेगा ही। तो इस दृष्टि से ये समस्त कारक है जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। अब एक एक करके हम इनको अलग से पढ़ लेते हैं जो कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इससे पहले भी इसके बारे में हमने पढ़ लिया है और आगे और आज पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें शिक्षा व्यवस्था प्रणाली, क्योंकि पाठ्यक्रम का जब संपादन किया जाता है तो उसे शैक्षिक और सामाजिक परिस्थितियों में ही उसको निर्मित किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। इसलिए शैक्षिक और सामाजिक घटना पाठ्यक्रम को प्रभावित करे बिना नहीं रह सकती। इसीलिए पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों में शिक्षा की जो व्यवस्था प्रणाली है उसे भी रखा गया है। शिक्षा व्यवस्था प्रणाली, जो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है, तो एक तरह से आज तक के शिक्षा के इतिहास में हम यदि देखें तो हम यही जानेंगे कि अतीत काल से ही शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम को प्रभावित करती रही है और शिक्षा व्यवस्था के लचीलेपन से ही या कहीं परिवर्तनशील होने के आधार पर ही पाठ्यक्रम को भी हमने परिवर्तनकारी माना है। जैसा कि अभी मैंने समझाया था कि शिक्षा किस तरह से उसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी आवश्यकता पे, किसी न किसी सामाजिक आवश्यकता पे, या मनुष्य की आजीविका से संबंधित हो सकती है, समाज की आवश्यकता से संबंधित हो सकती है, तो उसी आधार पर उसमें जो परिवर्तन होता है वह पाठ्यक्रम के में भी परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है या वह परिवर्तन करना भी आवश्यक हो जाता है। छोटे बालकों का पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित रहता है, माध्यमिक स्तर का जो भी पाठ्यक्रम है वह विषय केंद्रित रहता है और शिक्षा व्यवस्था के बदलने के साथ साथ ही पाठ्यक्रम के स्वरूप को भी बदला जाता है। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है यह भी पाठ्यक्रम को परिवर्तित करने का मुख्य आधार है। जैसे समय समय पर जो शासन प्रणालियाँ रही हैं वह भी अपने अनुसार शिक्षा की व्यवस्था चाहती हैं, उसी दृष्टि से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होते ही स्वाभाविक रूप से उसी के अनुसार, उसी व्यवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम को भी लागू करना होता है और इसीलिए यह व्यवस्था पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है अथवा कहें कि उसमें भी परिवर्तन की अपेक्षा होती है। इसी दृष्टि से अब हम बात करें दूसरे की परीक्षा प्रणाली। जैसे कि व्यवस्था है, व्यवस्था पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, ठीक इसी तरह से परीक्षा है यह भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। कैसे करती है कि जैसे परीक्षा की जो प्रणाली है, अब किस तरह की प्रणाली निर्धारित की गई है, किस तरह से परीक्षा लेना निर्धारित किया गया है, मानो वस्तुनिष्ठ प्रणाली है या निबंधात्मक प्रणाली है या यूनिट वाइज अलग अलग तरीके से किस तरह से उसका निर्धारण किया गया है, तो इस दृष्टि से ही जिस तरह से परीक्षा का आयोजन होना होता है उसी आधार पर पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम के तैयार करते समय परीक्षा प्रणाली, जैसे हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों में मूल्यांकन शब्द भी हमने पढ़ा था जो कि परीक्षा से संबंधित होता है, तो किस प्रकार से मूल्यांकन के आधार पर भी पाठ्यक्रम का एक तरह से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ यही बात है कि परीक्षा प्रणाली है तो वह भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, क्योंकि पाठ्यक्रम में
परीक्षा जो परीक्षा प्रणाली है वह पाठ्यक्रम में जो उसका आधार है मानव निबंधात्मक परीक्षा है, तो उसका पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा हो सकता है? यदि वस्तुनिष्ठ है तो वह पाठ्य वस्तु है या पाठ्यक्रम है, तो उसमें किस तरह से सूक्ष्म विषय वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि निबंधात्मक प्रणाली में विचार व्यक्त करने होते हैं और वो वर्णनात्मक होती है, तो उसमें बहुत सारे वर्णन के माध्यम से अपने विचारों को समाहित करते हुए किसी भी बिंदु पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रणाली में किसी भी पाठ्य वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठ रूप से जो उत्तर अपेक्षित होता है वही उत्तर उसमें लिखना होता है। तो इस दृष्टि से उसके अध्ययन के आधार पर उस विषय वस्तु का निर्माण भी, और जैसे वस्तुनिष्ठ है तो वह पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार से निर्मित किया जाएगा। तो इस दृष्टि से पाठ्यक्रम भी प्रभावित होगा कि जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पाठ्य वस्तु के सूक्ष्म पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएंगे, और निबंधात्मक जो प्रणाली है उसमें व्यापक विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका स्वरूप व्यापक ही रहेगा। तो निबंधात्मक परीक्षा से उच्च उद्देश्यों का मापन हो सकता है और वस्तुनिष्ठ परीक्षा से निम्न उद्देश्यों का अवलोकन किया जा सकता है, या कहें कि आकलन उनका इस तरह के उद्देश्यों का आकलन हो सकता है। और इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का भी निर्धारण होता है। तो स्वाभाविक है परीक्षा प्रणाली है वह पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक में समाहित की जा सकती है। इसी तरह से जैसा अब तक हम बार बार बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं या शासन व्यवस्था होती है वह भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है, तो इस तरह से हम शासन प्रणाली को भी पाठ्यक्रम के प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत रखेंगे। शासन प्रणाली समय समय पर समाज में एक तरह से कई बार कई तरह के शासन हैं, तो शासन व्यवस्था में भी कई तरह के शासन लागू होते हैं, कई तरह का परिवर्तन होता है, कई तरह के जैसे मानो किसी भी तरह से राजनीतिक जो परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन भी शिक्षा के मुख्य आधार को परिवर्तित करता है, कहीं उसकी पॉलिसी में अंतर आ जाता है। तो किस तरह से जब उसकी उन नीतियों में अंतर आता है तो उन नीतियों के अंतर के आधार पर भी पाठ्यक्रम भी नवीन रूप से निर्धारित किया जाता है, नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, नवीन परीक्षा प्रणाली निर्धारित होती है। तो ये कहें कि समूचे रूप से शिक्षा के एक तरह से शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, और शासन प्रणाली जब बदलती है तो उसके बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी बदलना होता ही है। केंद्र तथा राज्य स्तर की पार्टी को सत्ता में बदलने से पाठ्यक्रम के प्रारूप पर भी प्रभाव पड़ता है। राज्य हो या प्रदेश हो, किसी भी आधार पर वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने स्तर पर व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और इस व्यवस्थित करने के प्रयास में ही शिक्षा में के स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है। और इस शिक्षा के स्वरूप में जहाँ परिवर्तन होगा तो शिक्षा के स्वरूप का परिवर्तन ही पाठ्यक्रम के स्वरूप को भी परिवर्तित कर देता है, जो कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। तो इसी तरह से सभी प्रदेशों के पाठ्यक्रमों का प्रारूप जो होता है वह भी अलग अलग ही होता है। इसी स्तर के आधार पर पाठ्यक्रम का प्रारूप या अपने पाठ्यक्रम का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि अपनी शासन प्रणाली होती है, अपनी सबकी समझ होती है, किस आधार पर किस तरह की शैक्षिक आवश्यकताएं उनकी होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम का निर्धारण आवश्यक होता है। तो इस दृष्टि से इसी प्रकार पाठ्यक्रम में अपेक्षित परिवर्तन या सुधार किए जाते हैं। इसी तरह से अध्ययन समितियां हैं जो भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं।
शिक्षा व्यवस्था प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, शासन प्रणाली पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से अध्ययन समितियों का प्रभाव भी पाठ्यक्रम पर पड़ता है। पाठ्यक्रम के प्रारूप का निर्माण करते समय जैसे हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत पढ़े थे, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया या उसके सोपान, उसके चरणों का भी अध्ययन किया था। किस प्रक्रिया में से गुजर कर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है या कहे पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि एक पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता जो होते हैं उनकी एक सामूहिक समिति होती है, निर्धारित कर दी जाती है। कुछ अमुक अमुक सदस्य उन समितियों में निर्धारित होकर उस पाठ्यक्रम पर विचार करते हैं। अनेक शिक्षाविद होते हैं, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ होते हैं, जो अपने विचार विमर्श से सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताओं को, राजनीतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। तो वहाँ पाठ्यक्रम के निर्धारण में इस तरह से जो अध्ययन समितियाँ हैं तो इनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है इसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से अध्ययन समितियों के द्वारा भी प्रभावित होता है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो निर्माता है वो किस आधार पर, किस तरह के उनके अपने विचार हैं, किस तरह की अपेक्षा वो पाठ्यक्रम से चाहते हैं, तो उस दृष्टि से उनका प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से ही पाठ्यक्रम पे पड़ना आवश्यक होता है। तो पाठ्यक्रम का प्रारूप निर्माण अध्ययन समितियों द्वारा किया जाता है और इसीलिए विभिन्न स्तरों पर अध्ययन समितियों के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है और उसमें आवश्यक होने पर, जरूरत होने पर अपेक्षित सुधार भी किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्यों की सूझबूझ और उनके अनुभवों, उनके विचारों के आधार पर ही पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, या कहें कि पाठ्यक्रम के प्रारूप को और विकसित करना होता है तो भी अध्ययन समिति के जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं के अनुभवों के आधार पर उसे विकसित भी किया जाता है। इसलिए इन सदस्य, जो भी ये सदस्य हैं, इन सदस्यों की अभिरुचियाँ, उनकी अभिवृत्तियाँ और उनकी मानसिक क्षमताएँ जो हैं, तो उनकी जो भी अभिरुचि है, क्षमता है, मानसिक उनकी समझ है, सोच है, तो उनका प्रभाव स्वाभाविक रूप से पाठ्यक्रम पर पड़ता ही है। उस प्रभाव से ही पाठ्यक्रम भी मानो प्रभावित होता है और इसी दृष्टि से अध्ययन समितियाँ पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। इनका सीधा प्रभाव पाठ्यक्रम पर ही पड़ता है और अध्ययन समिति के अध्यक्ष ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को बनाते भी हैं और बदलते भी हैं, और इस तरह से और जो सदस्य हैं वो उनका अनुमोदन करते हैं, जैसे अपने विचारों के माध्यम से उसे स्वीकार करते हैं या उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, उनको भी उसमें रखा जाता है, उसके आधार पर भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये कहें कि हम कुल मिलाकर अध्ययन समिति के जो सदस्य होते हैं उनकी अभिरुचियाँ और अभिव्यक्तियाँ भी पाठ्यक्रम पर या कहें वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय आयोग और समितियां भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आयोग व समितियां, इसी तरह से जैसे अध्ययन समितियां इसे प्रभावित करती हैं, इसी तरह से शिक्षा में सुधार कार्य के लिए, उसके विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय आयोग और समितियों का निर्धारण किया जाता है और इन समितियों के निर्धारण से पाठ्यक्रम में किस तरह से पाठ्यक्रम के स्वरूप में या प्रारूप में बदलाव की अपेक्षा होती है, उसे अपेक्षित पर सुधार या कहें उस अपेक्षित बदलाव को किया भी जाता है। इसी दृष्टि से जैसे अनेक आयोग और समितियां जो भारत में भी गठित की गई हैं, उनमें से जैसे उन्होंने विश्वविद्यालय, माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर सुझाव दिए जाने और उन सुझावों को लागू करने का प्रयास किया जाता है,
और उसी प्रयास के आधार पर ही पाठ्यक्रम के प्रारूप को भी बदला जाता है कि किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये समितियां और आयोग पाठ्यक्रम के प्रारूप को बदलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे समय की आवश्यकता हुई तो व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रमुखता प्रदान की गई और शिक्षा के आयोग तथा समितियों के सुझाव के आधार पर ही इस तरह से पाठ्यक्रम को प्रभावित किया जाता है। और कहें सामाजिक परिवर्तन, जो हम बार बार बात करते आए ही हैं कि किस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी शिक्षा को प्रभावित करते हैं और शिक्षा के प्रभावित होते ही स्वाभाविक रूप से पाठ्यक्रम भी प्रभावित होता है, जिसे हमने अभी समझ ही लिया है कि किस तरह से समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन होते ही शिक्षा के लक्ष्यों में परिवर्तन हो जाता है और उनके लक्ष्यों में परिवर्तन होते ही, क्योंकि लक्ष्य किससे प्राप्त किए जाते हैं, किसी न किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो वहाँ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होता है, उसके प्रारूप और स्वरूप को भी बदला जाता है जो कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक परिवर्तन की गति भी अधिक तीव्र होती है, इसलिए आर्थिक और भौतिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करे बिना नहीं रहते, इनसे भी पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। और कहें जैसे विज्ञान है, तकनीकी है, इन्होंने भी समाज को प्रभावित किया है, कहीं ना कहीं समाज में उनकी भी आवश्यकता निर्धारित हुई है, उनके आधार पर भी सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है। इस दृष्टि से अब जब सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है तो पाठ्यक्रम भी वहाँ उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ साथ तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर आदि है तो इनके शिक्षण की भी आवश्यकता होती है, तो पाठ्यक्रम में अब इनके शिक्षण की क्योंकि आवश्यकता अनुभव की जा रही है तो नए पाठ्यक्रमों में इनके शिक्षण को भी शामिल किया गया है और इनका शिक्षण कार्य भी एक तरह से जरूरी हो गया है और बालकों को इनका ज्ञान करवाया जाना भी अपेक्षित है। और यह ज्ञान तभी करवाया जा सकता है जब उसे हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। तो इस दृष्टि से शिक्षा के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि जो नवीन सामाजिक परिवर्तन होते हैं उन नवीन सामाजिक परिवर्तनों के आधार पर शिक्षा में बदलाव किए जाते हैं और उन शिक्षा के बदलावों को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित किया जाता है, जिससे पाठ्यक्रम प्रभावित होता है। और इस तरह से पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले ये समस्त कारक हैं जिनसे पाठ्यक्रम प्रभावित होता है, और ये कारक हमने पढ़ लिए, ये हमारे पूर्ण हो गए हैं। इसके बाद हम पाठ्यक्रम के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे।